इस वक्त आपको तस्वीर दिखाते हैं केरल के वायनाड से, जहां पर इस वक्त राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं और खुद ट्रैक्टर चलाते हुए राहुल गांधी वहां पर नजर आए। लगातार देखिए केरल में भी चुनावी हवा बनाने के कवायद कांग्रेस की तरफ से शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्र पर हमलावर रही है और इस बीच ये तस्वीरें वायनाड से जहां राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए हैं और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त केरल के वायनाड की ये तस्वीरें हैं। राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए हैं और राहुल गांधी ने वहां पर कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया है। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ट्रैक्टर रैली की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार कोशिश राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से है कि केंद्र पर किसान आंदोलन को लेकर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जाए। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो केरल से के वायनाड की है। केरल में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस के पक्ष में वहां पर हवा बनाने की कवायद शुरू कर दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किसान आंदोलन के जरिए लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है केंद्र के ऊपर। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अलग अलग किसान महापंचायतों में शामिल हो रही हैं, हर जगह वो किसान आंदोलन का मुद्दा उठा रही हैं, कृषि कानूनों का मुद्दा उठा रही हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी को आप देख रहे हैं ट्रैक्टर चलाते हुए रैली में शामिल हुए हैं, ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए और खुद ट्रैक्टर चला रहे हैं राहुल गांधी और जो साथ में स्थानीय नेता है वो उनके अगल बगल ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं। और एक तस्वीर और आज की, साइकिल पर रॉबर्ट वाड्रा निकले दिल्ली में, वो अपने घर से निकलकर दफ्तर तक साइकिल पर गए। सांकेतिक तौर पर जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं उसको लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने ये कवायद की, एक संदेश देने की कोशिश की कि आम आदमी कितना परेशान है और इसीलिए रॉबर्ट वाड्रा साइकिल से निकले दिल्ली में अपने घर से और अपने दफ्तर तक वो साइकिल चला कर ही गए। पहली तस्वीर वायनाड की, दूसरी तस्वीर दिल्ली की। वायनाड में इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चला रहे हैं और साथ में बीच में ट्रैक्टर रोककर जो लोग हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, जानकारी भी ले रहे हैं। और केरल में चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से हवा बनाने की कोशिश वहां पर तेज है और लगातार कांग्रेस पार्टी केंद्र पर कृषि कानूनों को लेकर हमलावर है और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। ABP News, आपको रखे आगे।